हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कंफोरी में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप अपने पीसी या लैपटॉप को हॉटस्पॉट की तरह यूज कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता तो देखते रहिए हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आपको जाना है नोटिफिकेशन आपको साइड बार में दिख जाएगा। फिर आपको जाना है नेटवर्क में आपको दिखा देगा मोबाइल नेटवर्क, फ्लाइट मोड एंड हॉटस्पॉट। आपको वाईफाई पे राइट क्लिक करना है और गो टू सेटिंग पे जाना है। जैसे ही आप गो टू सेटिंग पे जाएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, वाईफाई, डायल अप, इथरनेट, सभी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी मैं अपने पीसी को कनेक्ट कर लेता हूँ मोबाइल के थ्रू, क्योंकि मेरे पास कोई इथरनेट तो है नहीं। आप देखेंगे कि मेरा जो पीसी है वो कनेक्ट हो चुका है एक वाईफाई के जरिए। अब मैं इसी वाईफाई को हॉटस्पॉट के रूप में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको आगे में दिखाई देगा मोबाइल हॉटस्पॉट, इस पर क्लिक कीजिए एंड इसे यहाँ पे ऑन कर देना। जैसे ही आप ऑन करेंगे यहाँ पर आपका नाम, पासवर्ड, सब चीज़ एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप का जो यूजर नेम है हॉटस्पॉट का उसे कंफोरी के नाम से सेव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने पीसी में एक पासवर्ड लगा देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति, कोई भी हमारे पीसी से कनेक्ट होना चाहे तो उस पर हमारे द्वारा दिया गया पासवर्ड मांगा जाए। तो जैसे मैं इसे ओके कर देता हूँ, आप देखेंगे जो हमारा लैपटॉप है वो एक हॉटस्पॉट के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। मैं आपको अभी दिखाऊँगा, मैंने कुछ डिवाइस से कनेक्ट करके आप देखेंगे मैं सपोज कर देता हूँ एक मिनट। हाँ, फाइल है रेडमी नोट प्रो, मैं उससे कनेक्ट करके दिखाऊंगा। एक मिनट, अच्छा मुझे टाइम से लग रहा है। हाँ, मैंने इसे ऑन किया। ऑन करने के बाद आपके नीचे एक मोबाइल का आईपी एड्रेस, मोबाइल का नाम, उसका मैक एड्रेस सब सो होएगा। अब जो हमारा लैपटॉप होता है वो कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकता है ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो जो हमारा लैपटॉप हो या पीसी हो वो 8 डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है अपने आप से। इसमें आपको बेनिफिट ये होता है, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं आपका लैपटॉप किसी RJ45 कनेक्टर से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप